आज शहीद गोवारी दिन मनाया जा रहा है। शहर के शहीद गोवारी स्मारक पर शहीदों को नमन कर उनकी शहादत को याद कर शहीदों को गोवारी समाज के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने बड़ी तादाद में उपस्थित थे। गोवारी समाज को आदिवासी का दर्जा मिले और उन्हें जाति प्रमाण पत्र मिले, इस मांग को लेकर 23 नवंबर 1994 को नागपुर में आयोजित विधान मंडल शीतकालीन सत्र पर गोवारी बंधुओं ने मार्च निकाला। इस समय तत्कालीन राज्य सरकार की गोलमाल नीति और पुलिस के लाठीचार्ज से मची भगदड़ में 114 गोवारी शहीद हो गए थे। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, अभी भी गोवारी समाज की दुर्दशा खत्म नहीं हुई है, ऐसा शहीद गोवारी स्मारक पर अभिवादन करने आए गोवारी बंधुओं द्वारा कहा गया। शहीद झालेले 114 शहीद गोवारी बांधवांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। गेल्या अनेक वर्षापासून आदिवासी गोवारी समाजाचा आरक्षण मागणीच्या हक्काचा लढा सुरू आहे आणि अजूनही तो कार्यरत आहे। सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील लढाईसाठी आदिवासी गोवारी समाज कार्यरत असून सातत्याने त्याच्या संपर्कामध्ये सर्व समाज आहेतच। गेल्या अनेक वर्षापासून ही लढाई आजही तेवढ्याच गतीने चालू असून लोकांच्या मनामध्ये अजूनही सरकारप्रती आशा आहे की सरकार त्यांना न्याय देईल आणि आदिवासीचे हक्क प्रदान करतील। 114 गोवारी बांधव ज्यावेळेस शहीद झाले त्यावेळेस समाजाच्या वतीने असं वाटत होतं की गोवारी समाजाला आदिवासीचे न्याय हक्क मिळतील, पण अजूनही समाजाचे न्याय हक्क गोवारी समाजाला मिळाले नाही आहे। मी अशा अपेक्षा करतो सरकारकडनं नवीन की गोवारी समाजाच्या भूमिकेला समजून ते त्यांना न्याय देतील। धन्यवाद। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस का यहां कड़ा बंदोबस्त देखने को मिला। आज सुबह शहीद गोवारी उड़ान पुल के पास श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने से ट्रैफिक पुलिस ने इस मार्ग पर रास्ता बंद कर दिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।